हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूसिन क्रश में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैडम आप एक नॉन डेरी विप क्रीम से विप क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने का वीडियो डालिए, तो आज मैंने वही वीडियो आपके साथ शेयर किया है और पूरी कोशिश की है कि हर एक टिप और ट्रिक को मैं आपके साथ शेयर करूँ। कैसा भी टेम्परेचर हो, किसी भी वॉट का बीटर आपके पास हो, आपको क्या करना है और क्या सही तरीका है क्रीम को विप करने का, वो सभी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्रीम को बीट करने के लिए हमें लेना है कोई भी एक बर्तन और बीटर के दोनों रॉड, जिन्हें मैंने लगभग 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अगर आपके यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये टेक्निक एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर गर्म है तो आप ऐसा कीजिए, एक बड़ा बाउल लीजिए, उसके अंदर थोड़े से डालिए आप आइस क्यूब्स, देखिए इस तरह से, और ये जो दूसरा बर्तन है ये आप इसके ऊपर रखिए। तो ये टेक्निक क्या है, अगर गर्मी के दिनों में आप क्रीम को बीट कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगा। इससे जब आप क्रीम को बीट करेंगे तो जो क्रीम है वो बीट करते वक्त मेल्ट नहीं होगा, आसानी से आपको बहुत अच्छे से पीक क्रीम में मिल जाएंगे। दूसरी बात आती है कि हमें कौन सी क्रीम लेनी है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है आज ये ट्रोपोलाइट की प्रीमियम ब्रांड की क्रीम है, तो मैंने इसे बाय किया था ट्रोपोलाइट की वेबसाइट से ही। आप देख सकते हैं इसके ऊपर 225 MRP है और मुझे लगभग 150 का ये 1 kg पड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं बाय करना तो ट्रोपोलाइट की वेबसाइट से आप जाके ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस क्रीम को ख़रीद कर लाएंगे तो आपको इसे रखना है फ्रीज़र में। ध्यान रहे कि आप इसे फ्रीज में ना रखें, हमें इसे डीप फ्रीज में रखना है और इस्तेमाल करने के लगभग आधे से पौना घंटे पहले हमें इस क्रीम को बाहर निकाल लेना है, जिससे ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और अच्छा सा हम इसे शेक कर लेंगे। और फिर देखिए हमें इस क्रीम को इस तरह से ओपन करना है, क्योंकि चूँकि हमें बची हुई क्रीम को वापस दोबारा से रखना है तो इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से ओपन करें। तो देखिए आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा आइसक्रीम के जैसा टेक्सचर में होगा, यानी कि थोड़ा सा मेल्ट और थोड़ा सा ये सॉलिड होगा। तो बस इसी कंडीशन में हमें यहाँ से 1 कप क्रीम बाहर लेनी है। 1 कप क्रीम जो है वो इनफ होगी लगभग आधे केजी के केक को कवर करने के लिए या हल्का जो डिज़ाइन है वो बनाने के लिए। वेट में आप देखिए क्रीम लगभग 250 ml के करीब है। और अब जो बचा हुआ क्रीम है, देखिए उसे हम अच्छे से पैक कर देंगे जिस तरह से ये आया था। आप चाहें तो इसे स्टेपल कर सकते हैं, आप चाहें तो रबर बैंड से इसे बंद कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से भी जैसे मैंने पैक किया है ठीक इसी तरह से आप इसे पैक कर सकते हैं। अब इस क्रीम को हम वापस से रख देंगे डीप फ्रीज़र में और आप इसे लगभग 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बस जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप आधे से पौना घंटे पहले इसे निकालिए, अच्छे से शेक कीजिए और क्रीम आप ले सकते हैं। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्रीम की हम बीटिंग शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप क्रीम ली है और ऊपर वाले बर्तन में हमने इसको डाला है, नीचे वाले बर्तन में रखे हैं थोड़े से आइस क्यूब्स। एक हैंड विस्क, यानी कि आप कोई भी चम्मच ले लीजिए या इस तरह का कोई भी हैंड विस्क ले लीजिए। हमें इस क्रीम को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई भी आइस क्रिस्टल ना हो, क्रीम बस एक जैसा एक सार हो जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम हम क्या इसी तरह के बलून विस्क से, हैंड विस्क से केक क्रीम को बीट कर सकते हैं या पीक्स हम बना सकते हैं। तो देखिए ये वाला प्रोसेस मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, थोड़ा सा टाइम इस प्रोसेस में लगता है और उतने अच्छे पीक्स हमें नहीं मिलते हैं जितने हमें इलेक्ट्रिक बीटर से मिलते हैं। तो देखिए अच्छे से एक बार जब ये क्रीम मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से काम करना शुरू करेंगे। आपके पास या तो 150 से 200 वाट का इलेक्ट्रिक बीटर होगा या फिर आपके पास 300 या 300 से ज़्यादा वाट का इलेक्ट्रिक बीटर होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह का बीटर आपके पास हो। तो मेरा चूंकि 300 वाट का इलेक्ट्रिक बीटर है तो सबसे पहले मैं अपनी स्पीड शुरू करूँगी मीडियम स्पीड से, और मीडियम स्पीड पर मैं इस क्रीम को बीट करूँगी लगभग 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक आप देखिए अराउंड लाइक 2 पर मैं इसे बीट करना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर चूंकि मेरा बीटर 300 वाट का है तो मैं सेकंड स्पीड पर इसे बीट करूँगी लगभग 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट में मैंने देखा कि मुझे बहुत हल्के से पीक मिल गए थे। ठीक है, अगर आपका बीटर है 150 से 200 वाट का तो आप याद रखिएगा आपको हाई स्पीड से ही शुरुआत करनी है। आपको मीडियम स्पीड पर अगर आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा टाइम लगने से क्या होता है बीटर जो है उसके रॉड्स भी गर्म हो जाते हैं,
तो अगर आपका बीटर 150 से 200 वाट का है तो आप हाई स्पीड से ही शुरू कीजिएगा और आपको हाई स्पीड तक ही इसे, जब तक हमें अच्छे खासे पीक नहीं मिल जाते, बीट करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका बीटर 150 वाट का है या 200 वाट का है तो आप क्रीम को बीट नहीं कर सकते हैं, आप इजीली क्रीम को बीट कर सकते हैं। शुरुआत में लगभग मीडियम स्पीड पर 2 मिनट तक हम देखेंगे कि जो क्रीम है उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ने लग जाता है, क्रीम जो है वो थोड़ी फूलने लग जाएगी और क्रीम में हल्के हल्के से लाइट पीक्स बनने लग जाएंगे। देखिए इस तरह के ये एकदम लाइट पीक्स बनके तैयार हैं। अगर आपको चाहिए इस कंडीशन पर तो आप थोड़ा सा एसेंस इसमें डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने इसकी स्पीड को कर दिया है 4 to 5 के बीच में और 3 से 4 मिनट मुझे यहाँ पे और लगेगा इस क्रीम को एकदम अच्छे शार्प पीक्स बनाने में। तो देखिए इस तरह से इसे घुमाते हुए हमें क्रीम को बीट करना है। एक हाथ से आपको बर्तन पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपको बीटर को घुमाते हुए चलाना है। तो अगर आपका बीटर 300 वाट का है, आपने नीचे आइस क्यूब्स रखे हैं, तो लगभग 6 से 7 मिनट आपको लगते हैं क्रीम को बीट करने में और एकदम अच्छे खासे शार्प पीक्स बनाने में। और अगर आपका बीटर 150 से 200 वाट का है तो हो सकता है आपको 8 से 10 मिनट भी लग जाएं। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो क्रीम है वो उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। क्रीम जो है वो जितनी हमने ली थी उससे डबल या ट्रिपल टाइम्स बढ़ जाती है बीट करने के बाद। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ डेरी विप क्रीम से भी फ्रॉस्टिंग बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। चूँकि डेरी विप क्रीम में किसी भी तरह का स्टेबलाइज़र नहीं होता है तो वहाँ हमें बाहर से ऐड करना पड़ता है, और नॉन डेरी क्रीम में चूँकि ऑलरेडी स्टेबलाइज़र भी होता है, स्वीटनर भी होता है, इसलिए हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए लगभग 4 मिनट मुझे लगे और देखिए इस तरह से एकदम अच्छे पीक्स हमें मिल गए हैं और देखिए कितनी अच्छे से हमारी जो क्रीम है वो बीट हुई है, ना तो ये मेल्ट हो रही है और ना ही आप देखिए स्पैचुला से मैं जब इस तरह से ऊपर नीचे कर रही हूँ तो बिल्कुल भी ये क्रीम नहीं गिर रही है। बस यही साइन है कि हमारी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से बीट हो गई है। चाहे आप बाउल या बर्तन को उल्टा करके भी देख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हमें क्रीम को बीट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी क्रीम ओवर बीट हो गई तो भी हमारी जो क्रीम है वो ख़राब हो जाएगी, उसमें बबल्स आ जाएंगे, फिर उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पाइपिंग पैन जिसमें मैंने डाला है ओपन स्टार का नोज़ल। ये नोज़ल एक मल्टीपर्पज़ नोज़ल है, इससे आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं एक ही नोज़ल से। तो देखिए यहाँ पर पाइपिंग बैग में मैं क्रीम डाल रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि पाइपिंग बैग में अगर आप बिगनर हैं तो बहुत सारी क्रीम एक साथ ना डालें, क्योंकि देखिए जब हम डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमारी हाथ की गर्मी से भी जो क्रीम है वो मेल्ट होता है। और इस तरह से क्रीम को आइसिंग बैग में भरकर हम बाहर निकाल लेंगे और देखिए अब इससे हम डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा ये रोज़ेट है जो मैं अक्सर अपने कपकेक्स में या केक्स में बनाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं एक दूसरा वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट, जिसमें हम क्रीम को कैसे कलर किया जाता है, कब हमें कलर ऐड करना है और कैसे हम डिफरेंट और डिज़ाइंस बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे डिज़ाइंस हमारे बन रहे हैं और कितना बिल्कुल भी क्रीम मेल्ट नहीं हो रही है। ये एक बिग साइज़ का स्टार नोज़ल है, इसके जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं है तो मैं इन नोज़लों को भी घर में कैसे बनाएं वो भी एक DIY वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इन कपकेक्स को फ्रॉस्टिंग के साथ या तो आप रूम टेम्परेचर पर रखिए या फ्रीज में रखिए, क्रीम आपकी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। देखिए हमने आपको बताया कि बिना बीट की हुई क्रीम को आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, बट अगर आपकी क्रीम बच गई है, यानी कि आपने केक बनाया है, कपकेक बनाया है और आपकी क्रीम जो है वो बच गई है, तो देखिए उसको फिर स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि हम उसे दोबारा फिर फ्रॉस्टिंग के लिए उतना अच्छे से उतना ईजिली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बची हुई क्रीम में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिला लीजिए, थोड़ा सा किसी भी फ्रूट्स की प्योरी मिला दीजिए और मिक्स करके आप उसका आइसक्रीम बनाएंगे तो वो और अच्छा आपको रिजल्ट, यानी कि बहुत अच्छा टेस्ट वो आपको देगा, क्योंकि स्टोर करने के बाद उसमें आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे, हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए ठीक इसी तरह से मैं और भी डिज़ाइंस बना रही हूँ वही स्टार नोज़ल से।
ये एक सिंपल टेक्निक है, मैं ज़रूर आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी जिसमें हम कलर करके और भी डिफरेंट डिफरेंट नोजल्स के साथ काम करेंगे। ये एक बिगनर्स के लिए एक वीडियो था जिसमें कैसे क्रीम को बीट करना है, क्या सही तरीका है, कैसे सिंपल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस तरीके से एक बार अपनी क्रीम को ज़रूर बीट कीजिएगा और क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है, क्या आपका फीडबैक रहता है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।